हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एग्जेम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई का टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई होता है उसके कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं। ये लॉ कुछ आपके गुड्स में या कुछ केसेस में यहाँ पे आप लॉ ऑफ सप्लाई को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, वहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई की तरह पूरा सिस्टम नहीं चलता। सबसे पहले अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, क्योंकि अगर कुछ बच्चे बिना लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब जाने ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, और जिन्होंने देख रखा है उनके लिए भी एक रिफ्रेश हो जाएगा। तो चलिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है बेटा। यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब भी किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो भी सप्लायर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या करते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं। लेट सपोज आपके पास क्या है, बहुत सारे नींबू पड़े हुए हैं और आप नींबू बेचते हो। अब इस सिचुएशन में ऐसा हो गया है कि प्राइस थोड़े से हाई हो गए हैं, मार्केट में नींबू के प्राइस ज़्यादा हो गए हैं, नींबू की डिमांड के बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ गए हैं। अब आप हो सप्लायर, आप तो देखोगे कि भैया पैसा पैसा पैसा, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पैसा आने की ऑप्शन है। वाई? बिकॉज मैनी पीपल आर डिमांडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस हैज़ राइज। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ चुका है इस कारण से, और प्राइस बढ़ गया है यानी कि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट का मुझे इतना प्राइस मार्केट में मिलने वाला है, तो आप अपनी सप्लाई बढ़ा देते हो ताकि आप उससे और जनरेट कर सको, पैसा ले सको। तो यहाँ पे सप्लायर जब प्राइस बढ़ जाता है तो ज़्यादा इच्छा रखता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचे, और वहीं अगर प्राइस कम होता है तो वो सोचता है कि यार इसका प्राइस बहुत कम है, यहाँ क्या ही बेचूँगा। कई बार आपने ये बात कईयों को कहती हुई सुनी होगी कि यार यहाँ पे जो है इसका प्राइस बहुत कम है, तो प्राइस कम है जिसके कारण से क्या हो गया, जिसके कारण से यहाँ पे मार्जिन कम होता है तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। आप कहीं किसी शॉप पे जाइए और कहेंगे कि भैया ये नहीं है, तो वो कहेगा अरे नहीं मैं मैडम वो बहुत सस्ता मिलता है, इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं बनता इसलिए हम रखते ही नहीं है, तो ये वाला ही हम का सामान रखते हैं। तो ये चीज़ भी आपको सुनने को मिलेगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि प्राइस बढ़ने के कारण सप्लायर क्या करते हैं, अपना जो है सप्लाई बढ़ा देते हैं, और वहीं प्राइस कम होने के कारण सप्लायर रोक देते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई का इफेक्ट जो है वो प्राइस के साथ साथ चलता है, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इफ़ द प्राइस विल गोज अप द सप्लाई विल गो अप एंड इफ द प्राइस विल गोज डाउन द सप्लाई विल गो डाउन। तो इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप और एक कह सकते हो एक साथ चलने वाला रिलेशनशिप होता है। सो ये बात आपकी लॉ ऑफ सप्लाई कहती है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने लॉ ऑफ सप्लाई आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या है, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इक्वल रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें यानी कि बाकी अदर डिटरमिनेंट्स जो कि आपके सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपकी जो है पीछे से आने वाले रिसोर्सेज हो गए, आपके बाकी टाइम पीरियड्स हो गए, या जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे वो सारी जो है स्टेबल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। द क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस सप्लाइड बाई प्रोड्यूसर विल बी इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ दैट गुड्स और सर्विस इंक्रीज। यानी कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स के प्राइस की बात की गई है कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा होगा तो उस प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की जो गुड्स हैं या सर्विस हैं उसकी सप्लाई जो है प्रोड्यूसर बढ़ा देगा अगर प्राइस बढ़ रहा होगा, और घटा देगा अगर प्राइस घट रहा होगा। दैट मीन्स इट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में भी आपको एक डेफिनेशन दी गई है, आप इसको बस रीड डाउन कर लीजिए, अदरवाइज वही बात लिखी गई है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस ऑफ इन द प्राइस ऑफ अ गुड। अगर आपका जो है लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिट्स दैट द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद एन इंक्रीज इन प्राइस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द डिक्रीज इन प्राइस रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। हाउएवर व्हेन सप्लायर्स एंटिसिपेट अ कमिंग चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स देयर सप्लायर रिस्पॉन्स मे रन काउंटर टू द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। क्या बोला गया है, देखो अभी आपने कहा जो ऊपर दो लाइन लिखी है वो यही लिखी है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है इन योर प्राइस एंड क्वांटिटी। बट फिर भी जो सप्लायर्स होते हैं अगर उनको एक ऐसा भाव हो या फिर एक एक्सपेक्टेशन हो कि प्राइस में चेंज होने वाला है जो गुड्स हैं उस, अगर ऐसा अभाव आने वाला है कि उसके प्राइस में बढ़ोतरी होने वाली है या फिर कमी होने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर बाद के बारे में सोच करके अभी से अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर लेगा। लेट सपोज अभी प्राइस हाई है बट उसको पता चल गया कि आने वाले टाइम में और हाई होने वाले हैं, तो फिर भी प्राइस हाई है फिर भी वो अपनी सप्लाई को रोक लेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है कि दैट इन नियर फ्यूचर ये प्राइस और आगे जाने वाले हैं, तो वो इसलिए अभी अपने जो है प्राइस को
अभी अपनी सप्लाई को रोक सकता है या फिर रोक लेगा, जिसके कारण वो फ्यूचर में दोबारा सप्लाई करके और ज़्यादा गेन कर सके। तो एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर आपके एक्सपेक्टेशन है एज अ सप्लायर, आपका एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर आपके गुड्स और प्राइस में जो है चेंज हो सकता है, चाहे वो बढ़ोतरी हो चाहे वो कमी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप अभी से थोड़ा सा मैनेज कर लोगे। लेट सपोज अभी जो है प्राइस कम है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा और कम होने वाले हैं, तो आप अभी से अपनी सारी सप्लाई जो पड़ी हुई है वो सारी निकाल दोगे, ताकि फ्यूचर में कम लॉस हो और अभी जो माल का पैसा मिल रहा है वो एटलीस्ट मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट पावर। मार्केट पावर जो है ऐसे सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे जो सप्लाई है वो साइड ऑफ द मार्केट एक डोमिनेट करता है बाय द स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, यानी कि कुछ ही सेलर्स आपके अवेलेबल हैं, जैसे इस केस में आप ले लीजिए आपका एक टेलीकॉम सेक्टर है, यहाँ पे कुछ ही सप्लायर्स हैं, यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, कुछ ही कंपनीज हैं, और वही लोग पूरे मार्केट को चला रहे हैं, तो उनके पास पूरा मार्केट का पावर है। सो ऐसे सिचुएशन में दिस इज पर्टिकुलरली evident in case of market control such as in a monopoly where there is a single seller, specially जहाँ पे एक single seller है, तो ऐसे scenario में जो monopolist होते हैं वो necessary increase कर सकते हैं quantity supplied में, चाहे आपका despite the price being higher, as the monopolist has a strong market control, उसके पास एक strong market control होता है जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, चाहे price का कुछ भी कम ज़्यादा हो वो अपनी supply बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। It can set the market price based on demand condition and fix the quantity supplied without facing any cost constraint imposed from the supply side. This can lead to a situation where the price is high but the quantity supplied is relevant low, resulting in the market inefficiency where the demand is not being fully satisfied. अब ऐसे क्या होगा, देखो मार्केट में पावर है आपकी, ठीक है, कुछ ही लोगों के पास पावर है, या लेट सपोज मोनोपोलिस्ट हो, तो आप क्या करोगे, आप हायर प्राइस हायर भी करके जो है सप्लाई को अपनी कम कर दोगे, ताकि आपकी मार्केट में सप्लाई डिमांड जो है एक अच्छी खासी बनी रहे, उसका प्राइस ऊपर रहे, ताकि अगर ज़्यादा डिमांड रहेगी तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा, और आप पीछे से कम सप्लाई करोगे तो जिसके कारण पूरी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी और वो डिमांड अभी भी खड़ी रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में हाई प्राइस पर भी आप अपनी सप्लाई कम कर सकते हो, ताकि मार्केट में आप अपना जो है सप्लाई क्वान्टिटीज नॉर्मल रख सको और डिमांड जो है ऑलरेडी जनरेटेड रहे। तो ऐसी सिचुएशन ऐसी वजह से जो है एक रिजल्ट निकल के आता है, वो ऐसा रिजल्ट होता है कि एक ऐसी मार्केट निकल के आती है जिसमें सारे डिमांड्स जो हैं कंप्लीट फुलफिल नहीं होते हैं। तो इसलिए मार्केट पावर इज द सेकंड पॉइंट। कंपटीशन, कई बार कंपटीशन के कारण भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटर्स ने जो है कम प्राइस पर भी माल बेच रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस सिचुएशन में आप भी थोड़ा सा अपना प्राइस कम में माल बेचने के लिए रेडी हो जाओगे। वाई, बिकॉज नहीं बेचोगे तो कॉम्पिटिटर सारा मार्केट लेकर के चला जाएगा, तो कॉम्पिटिशन भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपके लिए है। पेरिशेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो कि आप लंबे समय तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हो, जिसको आप अपने पास नहीं रख सकते, जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपके मेकअप क्रीम्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कुछ जल्दी से जल्दी एक्सपायरी नहीं होने वाला, तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके हो गए, तो ये सब प्रोडक्ट्स आप लंबे समय तक अपने पास रख सकते हो। प्राइस कम मिल रहा है कोई बात नहीं, आप बाद में फ्यूचर में बेच दोगे, लेकिन लेट सपोज आपके पास मच्छी है, मच्छी मतलब कि वो नल जल से निकाली हुई अभी अभी ताज़ा, उसको मार्केट में बेचना है, आपने रख दिया नहीं मैं नहीं बेचूंगा, अभी प्राइस बढ़ेंगे तब बेचूंगा, तब तक वो सड़ गल जाएगी, वो बेचारी खुद उसकी आत्मा भी निकल के चली जाएगी, टाटा बाय करके बिल्कुल डेड से भी डेड हो जाएगी, तो उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे फ्रेश मच्छियों के लिए ही आप जो है देखोगे कि लोग खरीदते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट्स, अच्छा ठीक है ये तो नॉन वेज लोगों के लिए हो गए, वेज लोगों के लिए भी एक वो ले लो कि आपके फ्रूट्स हैं गर्मी बहुत है, ज़्यादा देर तक रखोगे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, गली गली बेचारे रेडी वाले घूमते हैं, तो ज़्यादा समय तक आप उसको भी प्रिजर्व करके अपने पास नहीं रख सकते। यहाँ पे दूध दही घी तो नहीं, दूध दही लस्सी ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे चाहे पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये आप ज़्यादा देर तक नहीं रखोगे, तो ये सारे ऐसे गुड्स हैं जो कि आपको जल्दी से जल्दी निकालने पड़ेंगे, यानी कि उसके ख़राब होने से पहले निकालने पड़ेंगे, और उसके ख़राब होने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा छोटा होता है, हफ्ते भर में ख़राब हो जाएंगे अगर आपने ठीक से उसको नहीं रखा, हफ्ता भर भी मैं तब बता रही हूँ जब डीप फ्रीज़र में आप उसको रखोगे तब शायद उसके लिए सही होगा, बाकी अगर आपने उसको नहीं रखा तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए लो प्राइस पे भी आप जो है पेरिशेबल गुड्स निकाल देते हो, बिकॉज़ यू नो कि अगर ये नहीं निकाले तो ये जो है सड़ गल जाएंगे और मेरा और नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्ट
रिस्ट्रिक्टिंग क्वांटिटी। अब कुछ बार कई बार क्या होता है, जो लॉ होती है, गवर्नमेंट होती है, वो कुछ रेगुलेशंस बना देती है क्वांटिटीज़ के ऊपर। अच्छा, ये सारा मैंने ना मटेरियल चैट जीपीटी से छापा है, तो मुझे भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, अब ये बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया, बट स्टिल आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में। मैंने पढ़ के देखा था तो इट वॉज अमेजिंग। तो लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्शन क्वांटिटी क्या होती है कि भाई आपने जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रेगुलेशंस बना दिए जिसकी वजह से जो क्वांटिटीज़ है उसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगा दी, सीलिंग्स लगा दी, प्राइस सीलिंग्स लगा दी। ठीक है, गुड्स जो भी ऑफर करे जा रहे हैं उसके ऊपर प्राइस सीलिंग लगा दी। प्राइस सीलिंग क्या होती है कि सप्लायर जो है इससे ज़्यादा प्राइस पे माल नहीं बेचेगा। ठीक है, और प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस फ्लोर होता है कि मार्केट में इतना प्राइस तो जो है सप्लायर्स को मिलना ही चाहिए, तो इससे ऊपर माल बिक सकता है। तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर एक आपका जो है अच्छा टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। तो प्राइस जो है सीलिंग कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा अमाउंट ऊपर नहीं जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको जो है अपने शस्त्र त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा ने जो बात बोल दी, यानी कि आपके गुरु ने, आपके गवर्नमेंट ने जो बात बोल दी, आपको वो मानना पड़ेगा और अपने जो है जो भी टेक्टिक्स हैं वो सब छोड़ करके जो प्राइस पे उन्होंने सेट किया है उसने ही प्राइस पे आप अपना बेच के आ जाओगे। नेक्स्ट इज आर्टिस्ट एंड ऑक्शन गुड्स। ये गुड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं प्रोड्यूस करने, क्योंकि आर्टिस्ट जो या फिर ऑक्शंस वाले गुड्स जो है आपके तुरंत नहीं बनते, और वेयर द सप्लाई कैन नॉट बी इजिली इंक्रीज्ड और डिक्रीज। और ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सप्लाई ना तो एकदम से बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है। ठीक है, जो मेन पेंटर हैं उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि प्राइस बढ़िया मिल रहा है और बनाओ, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा प्राइस भले ही एक एक पेंटिंग उनकी जो है करोड़ों रुपये में बिकती हो, बट स्टिल क्या होता है उनकी पर्टिकुलर लिमिटेड क्वांटिटीज़ ही होती हैं, एक महीने में, दो महीने में एक बन गई, तीन महीने में एक बन गई। वो ऐसा नहीं करते कि यार बड़ा अच्छा प्राइस मिल रहा है, फटाफट मैं भी जो हूँ पेंट ब्रश उठाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, मार्केट में बेच दूंगा, सप्लाई बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन वहाँ नहीं होती। तो आर्टिस्ट के गुड्स या ऑक्शन गुड्स होते हैं, वहाँ पर आपका ये सिचुएशन नहीं होता है। सो ये था गाइज आज का हमारा छोटा सा वीडियो। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।